आज की तारीख है 1/9/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी ऊंच कुल के हो। निराकारी बाप के बच्चे हैं और साकार में रचयिता ब्रह्मा बाप के भी बच्चे हैं। प्रश्न है, किन बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खिला हुआ होगा? उत्तर है, जिन्हें गुप्त खुशी होगी कि बाप से हम बेहद का वर्षा लेकर के विश्व का मालिक बनते हैं। दूसरी बात है, जो ज्ञान और योग से सतोप्रधान बनते जा रहे हैं, जिनकी आत्मा पवित्र होती जाती है, ऐसे बच्चों का मुखड़ा फूलों की तरह खुशी में खिला हुआ रहेगा। आत्मा में ताकत आती जाएगी और मुख से ज्ञान रत्न निकलते निकलते रूप बसंत बन जाएंगे और नई राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य प्रभु के। नंबर एक है, ऐसा फर्स्ट क्लास मीठा और रॉयल बनना है जो बाप का नाम बाला करना है। कोई गुस्सा करे, गाली दे, तो भी मुस्कुराते रहना है। नंबर दो, श्रीमत पर पूरा पूरा ट्रस्टी बनना है, कोई भी उल्टा धंधा नहीं करना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। वरदान सतगुरु बाबा का, पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति वा मनसा शक्ति संपन्न भव। बाबा कहते हैं कि किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते वा देखते हो तो ये स्मृति रहे। क्या स्मृति रहे? कि ये सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज हैं, पूर्वज सभी की पालना करते हैं। आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्वशक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसकी उस शक्ति द्वारा पालना करना। इसके लिए अपनी वृत्ति बहुत बहुत शुद्ध और मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए। स्लोगन है, जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है, वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते।
नमस्ते। ओम शांति।